ओके स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक जीन को ही मेंडल ने जो है एक ही जीन की कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था, उनके जीन्स को देखा था कि वो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब हम यहाँ पे मेंडल ने दो जीन्स के कैरेक्टर्स, मतलब दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया है कि एक ही प्लांट के हमने दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया है और उसमें देखा है कि उसमें क्या होता है। मतलब हमारे अंदर देखिए आइज़ का होता है, हमारी नोज़ है, हमारे हेयर्स हैं, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट। तो इसी तरीके से जो पी प्लांट है, पी प्लांट में भी डिफरेंट कैरेक्टर थे, तो उन्होंने उस समय टॉल और डर्फ प्लांट के कैरेक्टर को लिया या फिर सिर्फ कलर के कैरेक्टर को लिया, हमने एक जीन के ट्रेड्स को लेकर स्टडी की। अब यहाँ पे इन्होंने इस टॉपिक में इन्होंने दो जीन्स, यानी कि एक साथ में दो जीन्स के कैरेक्टर को लेके स्टडी किया है। तो किस तरीके से इन्होंने क्या प्रोसेस करा है, क्या रिजल्ट आया है, हम देखते हैं, ठीक है। मेंडल ऑल्सो वर्क विथ एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट that has seed with yellow color and round shape and one that had seed of green color and wrinkled shape। इन्होंने ये पी प्लांट के ही लिया, क्यों पी प्लांट को क्यों लिया था जानते हो, क्योंकि पी प्लांट जो है उसके अंदर ढेर सारे कैरेक्टर्स थे, उनका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था, यानी कि जो हमें जनरेशन थी या जो रिजल्ट्स थे वो हमें जल्दी मिल पाते थे और वो ईजिली थे, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस थी, ठीक है। तो ये सारी वजह से ही उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया था, पी प्लांट को एज अ उन्होंने टेस्ट के लिए स्टडी किया था, ठीक। ओके तो यहाँ पे इन्होंने पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को लिया, एक पी प्लांट लिया जिसमें येलो कलर के सीड थे और वो राउंड शेप थे, और दूसरा उन्होंने देखा कि दूसरा प्लांट उन्होंने लिया जिसके जो सीड्स थे वो ग्रीन कलर के थे और साथ ही वो रिंकल्ड थे, ठीक है। तो एक प्लांट के जो सीड थे वो येलो और राउंड थे और दूसरे प्लांट के जो सीड थे वो ग्रीन और रिंकल थे, ठीक। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड। उन्होंने दोनों प्लांट्स का जब क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट आया, उन्होंने देखा कि रिजल्ट में जो प्लांट आया है उसके जो सीड्स थे वो कैसे थे, येलो कलर के थे और राउंड शेप सीड थे। तो हेयर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल शेप वॉज डोमिनेंट। ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आ ही गया, यानी कि जो पहला वाला जो प्लांट था जिसके येलो और राउंड शेप के सीड थे वो डोमिनेंट था, जबकि ग्रीन और रिंकल्ड वाले रिसेसिव थे, ठीक। दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप वॉज डोमिनेंट ओवर द रिंकल, ठीक। दीज रिजल्ट वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट वेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन येल्लो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन द राउंड एंड द रिंकल सीडेड प्लांट। जब उसने यही जो ट्रेड्स को जब अलग अलग लेके जब स्टडी किया था, तब उसने ये देखा था कि उस टाइम पे भी जो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस कराया था उसमें भी जो येलो ग्रीन के बीच में और जो राउंड और रिंकल सीड के प्लांट के बीच में, तो यही सेम रिजल्ट आया था। लेट अस यूज़ द जीनोटाइप सिंबल्स वाई फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई फॉर द रिसेसिव ग्रीन सीड कलर। आर इज़ फॉर द राउंड शेप सीड एंड स्मॉल आर इज़ फॉर द रिंकल सीड शेप। इन्होंने एक अब जीनोटाइपिक एक सिंबल्स को स्टडी करने के लिए समझते हैं, इन्होंने क्या किया, एक जीनो जो येलो कलर के जो सीड थे उनको वाई कलर दिया, जबकि जो रिसेसिव ग्रीन कलर के जो सीड थे उनको स्मॉल वाई दिया, वहीं पे जो राउंड शेप के सीड थे उनको कैपिटल आर दिया और जो स्मॉल रिंकल शेप सीड थे उनको स्मॉल आर दिया, ठीक। यही होता है, जो डोमिनेंट वाला होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो रिसेसिव वाला होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज RRFYY एंड स्मॉल डबल स्मॉल R एंड डबल स्मॉल Y, ठीक है। यही हुआ, जो पहले वाले हैं
यानी कि वो डोमिनेंट है और जो दूसरे वाले हैं वो रिसेसिव है। जो पहले वाले हैं वो येलो और राउंड शेप शेप के सीड शो कर रहे हैं, और जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं वो ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स को शो कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप सबको आई होप। अब आगे देखते हैं। द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन एज इन फिगर 5.7। अभी हम 5.7 देखेंगे। शोइंग द जीनोटाइप्स ऑफ द प्लांट्स पेरेंट प्लांट्स द गैमिट्स आर वाई एंड स्मॉल आर वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द एफिन हाइब्रिड आर आर वाई वाई। When Mendel self hybridized the F1 plant, he found that the 3/4 of the F2 plant had yellow seeds and 1/4 had the green. The yellow and the green colors segregated in a ratio of 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape also segregated in a 3:1 ratio, just like in a moon hybrid cross. ठीक है, अब हम इस चीज़ को इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, एफ जनरेशन पहले देखिए, पहले पेरेंट जनरेशन जब थी तो पेरेंट जनरेशन में हमने जो सीड्स लिए थे वो कैसा था। पहला सीड जो था डोमिनेंट वाला वो राउंड और येलो है, और दूसरा वाला रिंकल्ड और ग्रीन है। ओके, वन मिनट। हाँ, तो जो पी जनरेशन में है आप उसमें देख रहे हो, पहला वाला जो है वो है राउंड और येलो है। इसको हम येलो कलर से ही शो करते हैं। पहला वाला राउंड और येलो है, और जो दूसरा वाला है वो ग्रीन है। ठीक है, आप क्या किया इन्होंने, जो गैमिट्स थी इन दोनों को क्रॉस कराया। जो पहले वाले की जो गैमिट्स थी जब इनको क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, आर वाई एंड स्मॉल आर वाई। ठीक, आर वाई और आर वाई। अब जो एफ वन जनरेशन आई उसमें जो हमें सीड्स मिले वो कैसे मिले, राउंड और येलो मिले, लेकिन इसका जीनोटाइप अगर देखिए तो वो क्या है, आर आर वाई वाई। ठीक, जब इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमने ये देखा कि जो हमें, जब हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो आप देख सकते हो F2 जनरेशन में जो हमें यहाँ पे सेल में देखिए आर वाई है, आर वाई आर वाई आर वाई, इनका सेल पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि दोनों के आर आर वाई वाई को आपस में हमने मल्टीप्लाई कराया। तो जो हमें ये पुनेट स्क्वायर का ये जो हमें क्रॉस मिल रहा है, देखिए ये पहला वाला और ये पहला वाला मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल आर वो वाई और वाई, क्योंकि दो वाई उसमें कैपिटल है। इस तरीके से जब हमने बनाया तो हमने ये देखा जो F2 जनरेशन थी उसमें जो हमें सीड्स मिले वो मिले 9:3:3:1 रिजल्ट ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस वेयर द टू पेरेंट डिफरेंट इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्रिक टेस्ट ट्रेड सीड्स कलर एंड द सीड शेप। यहीं पे यहाँ पे ये चीज़ बताई कि जब जब मेंडल ने इन लोगों इनका जब आपस में जब क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड तो RRYY प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब इनका F2 जब इनको सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया गया तो 3/4 जो प्लांट थे और जो F2 प्लांट में जो 3/4 प्लांट थे उनके येलो सीड थे जबकि 1/4 के ग्रीन सीड थे। तो जो येलो और ग्रीन कलर जो थे वो सेग्रीगेट हो गए थे 3:1 के रेशियो में, और जो राउंड और रिंकल्ड सीड शेप था वो भी सेग्रीगेट हो गया था 3:1 के रेशियो में, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में हमने पहले देखा था। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, किसी की से बिना प्रभावित हुए, मतलब अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होना, दैट वी कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखते क्या है, इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस फिगर्स 5.7
द फीनोटाइप्स आर राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, सारे चारों तरीके की कॉम्बिनेशंस के हमें जो है सीड्स वो प्राप्त हुए थे। किस रेशियो में? 9:3:3:1 के रेशियो में। ठीक है, सच एज रेशियो वॉज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडी। उसके बाद मेंडल ने इसी तरीके से दो दो कैरेक्टर लेके सब में ये चीज़ देखी, तो सब में यही रेशियो उनको प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 का रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन एंड विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड। तो जो रेशियो वो था उसमें क्या था, जैसे कि कॉम्बिनेशन जो मिला उसमें 3 येलो थे, 1 ग्रीन था, 3 राउंड थे और 1 रिंकल्ड था। दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलो, 3 राउंड इज टू 1 रिंकल्ड एंड 3 येलो इज टू 1 ग्रीन। जो मैंने आपको बताया था 3:1:3:1 का रेशियो, जो आपस में जब हमने इसको मिलाया तो वो कितने में बने, 9:3:3:1 का रेशियो। अलग अलग जब हमने देखा मोनो है तो उसमें हमें इस तरीके की चीज़ें मिली। सो बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस दैट इज क्रॉसेस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन टू ट्रेड्स, मेंडल प्रपोज्ड अ सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरीके के जब क्रॉसेस मिले तो मेंडल ने एक सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन या एक सेकेंड सेट ऑफ प्रिंसिपल दिया, उस लॉ को हमने क्या कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि ये कहता है, ये लॉ स्टेट करता है कि जब हमने दो पेयर के ट्रेड्स को आपस में कंबाइंड कराया या हाइब्रिड कराया, तो जो वन पेयर के कैरेक्टर थे वो दूसरे पेयर के कैरेक्टर के साथ में इंडिपेंडेंट थे, यानी उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं था। द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एग्स एंड पॉलन ग्रेन्स इन दी F1FRRYY प्लांट। जो पुनेट स्क्वायर जो है वो उसको यूज़ किया गया ताकि हम इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन जो है दो पेयर्स ऑफ जीन का जान सकें, कब, मियोसिस के दौरान। मियोसिस में जब एग्स और पॉलन का जब प्रोडक्शन होता है तो उसके दौरान हम जो है जीन्स के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के बारे में जान सकें। ठीक है, कंसीडर दिस सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन आर एंड आर इज 50% ऑफ द गैमेट्स हैव द जीन आर एंड द 50% ऑफ परसेंट हैव द स्मॉल आर। नाउ डिसाइड दीज गैमेट्स हैविंग ईदर आर और आर, इट शुड ऑल्सो हैव द एलील ऑफ वाई और स्मॉल वाई। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर्स इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई एंड 50% वाई। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी दो ट्रेड्स को अगर हम आपस में लेकर स्टडी करेंगे तो सबका अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, कोई भी ट्रेड दूसरे ट्रेड के ऊपर हावी नहीं होता है, सबके अपने जीन्स के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं। जैसे मोनोहैमेट में जब हमने सिंगल सिंगल करा के देखा तब भी हमें वही 3:1 का रेशियो हमें मिला, और जब हमने उसमें करा के देखा डाईहाइब्रिड यानी दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया तब भी अपने हर एक कैरेक्टर का वही रिजल्ट आया 3:1 का, जिस इसीलिए हमने इस लॉ को द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला है। ठीक, आई होप कि समझ में आया आपको ये चीज़। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इन सब का। देखिए एक बार पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, हमारे पास तीन थे, हमने तीन लॉस अभी तक पढ़े। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस,
इसको स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें। यस, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी तक हमारी इसमें 5-6 डिफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती हैं। पहला था व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो कैरेक्टर्स लॉज ऑफ डोमिनेंस द स्टेट्स दैट द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स एंड इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ऑन द अदर। ठीक है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये कह रहा था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा था कि जो मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस कराया गया हमें दो पेरेंट्स के बीच में, तो जो डोमिनेंट वाला था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया जबकि रिसेसिव वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो जो हमें उसमें रेशियो प्राप्त हुआ वो था 3:1 का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन दो वन ऑफ द सेट इज़ नॉट सीन इन द F1 स्टेज। तो ये लॉ कहता था कि जो दो एलील्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं होती हैं और ये अपने F1 की जनरेशन में तो वही सेम जो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स को हैं उनको ही शो करती हैं, पर जब F2 की जनरेशन होती है तो ये जो है दोनों तरीके के कैरेक्टर शो करती हैं, दोनों तरीके के, यानी कि F1 वाले के भी आएंगे और F2 के, मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है शो करेंगी, लेकिन हाँ उसका रेशियो कम आएगा। ठीक, नेक्स्ट था इम्पॉर्टेंट इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब था कि ये जो आपको F2 जनरेशन मिली थी उसमें जो है पिंक कलर के फ्लावर मिले थे। ठीक है, इस जो जीन्स थे उनमें क्या था कि ये जो हेट्रोजाइगट जो इसमें क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए थे या जीन्स फॉर्म हुए थे उन्होंने दोनों का मिक्सचर यानी एवरेज जो थी वो चीज़ें दी थी। कोडोमिनेंस का था कि जब दोनों कैरेक्टर एक साथ एग्जिस्ट हो रहे थे, जो हमने आपको ब्लड ग्रुप का एग्जांपल बताया था कि अगर एक ब्लड ग्रुप है फादर का, बी ब्लड ग्रुप मदर का है, तो क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट जीन है तो ए बी जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। आज हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जब हमने दो ट्रेड्स को एक ही प्लांट में, जब हमने दो ट्रेड्स को एक ही प्लांट्स के में हमने जब स्टडी किया तो जो हमें आंसर मिला वो ये था कि 9:3:3 के वन में रेशियो में आए, लेकिन हर ट्रेड का अपना एक अलग अलग एक्सप्रेशन था जो कि हमें मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में मिला था जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ रहे थे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही था। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉज। द फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द अदर टॉपिक्स स्टिल विच वी हैव स्टडीड इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ा वो याद होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो टिल दैट टाइम आपको इसमें इम्पॉर्टेंट थ्रीनो लॉज के बारे में लिखना है, इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट के बारे में लिखना है, कोडोमिनेंस के बारे में लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इन 5-6 चीज़ों के बारे में आपको इनकी डेफिनेशंस जो है वो डिफाइन करनी है और लिखनी है। ठीक, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ आस्क मी इन योर क्लास सो दैट आई कैन सॉर्ट आउट योर डाउट्स। ठीक है, ओके, कीप रिवाइजिंग।